स्टार्ट दिस लेक्चर. मैं आपको एक दफ़ा इम्पॉर्टेंट बता दूँ, इस क्विज के लिए, फाइनल्स के लिए, मिड्स के लिए, ये फर्स्ट सिक्स लेक्चर्स का, तो ज़रा गौर से देख लेना. मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करूँगा और जो जो इसमें नोट करना है नोट कर लो और बाकी लोगों को भी, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर. इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो हमने किया था, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके अपने पढ़ने के लिए ज़रूरी है, बट बाकियों के लिए, बाकी जो है ना उसको इतनी डिटेल में मैं पूछूंगा नहीं. तो इसमें क्या चीज़ पूछने वाली है, ये जो स्किन इंटेग्रिटी में जो सोर डेवलपमेंट है, यानी कि जो अल्सर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. स्लाइड नंबर 8, 9, 10. स्किन चेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग में आप सिर्फ ये डायग्राम अपने लिए देख लो, लेकिन आई एम प्रॉब्ली नॉट गोना आस्क यू लॉट फ्रॉम इट. अच्छा, ये कॉमन डर्मेटोलॉजिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये इनका बड़ा सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज आ सकते हैं, बिकॉज ये नहीं आता तो फिर तो आपको पूरी डर्मेटोलॉजी समझ नहीं आएगी, ये स्किन समझ नहीं आएगी. अच्छा, अब इसके बाद ये सारी की सारी ये डेफिनेशन में आती हैं, ये जो डेफिनेशन हैं कॉमन डर्मेटोलॉजिक टर्म्स और फिर ये लियंस और लियंस की डेफिनेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं. मैक्यूल क्या होता है, पेप्यूल क्या होता है, नोड्यूल क्या होता है, इनके बीच में फ़र्क क्या होते हैं, सेकेंडरी लियन क्या होती है, अल्सर, फिशर, एरोयन में क्या फ़र्क है, वेस्कुलर स्किन लियंस कैसी होती हैं, क्या होती हैं, और ये कन्फिग्रेशन कैसी होती है स्किन लियन की, ये इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, स्किन एग्जाम कैसे किया जाता है, इट इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर SCP-2, मतलब SCP के अंदर भी आप इसे करेंगे, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछूंगा आपसे यहाँ पे, लेट्स लीव इट फॉर SCP. अच्छा, यहाँ तक असेसिंग द स्किन की बात ज़्यादा, लेकिन जहाँ पे ये या आई मीन लीव इट, इसको भी छोड़ दो फिलहाल. डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पैथोलॉजी. कौन कौन से टेस्ट से आप डायग्नोज कर सकते हैं बीमारियाँ, ये टेस्ट्स देख लीजिएगा, स्किन के स्पेशल टेस्ट्स होते हैं. फिर डिसऑर्डर्स ऑफ द स्किन में इनके नाम आने चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्किन के डिसऑर्डर्स होते किस तरह के, कौन कौन से होते हैं, बस ये नाम आने चाहिए, डायग्नोसिस का पता होना चाहिए, और ये डेफिनेशन आनी चाहिए स्किन लियंस की, एंड वो अल्सर्स वाला पार्ट. सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू गो टू लेक्चर नंबर 2, कॉमन स्किन डिजीज वाला, कॉमन स्किन डिजीज के अंदर स्केबीज का कॉज, सिम्टम एंड ट्रांसमिशन ज़्यादातर. ट्रीटमेंट वगैरह भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ट्रीटमेंट एज यू नो मेडिसिन का ज़्यादा बड़ा पार्ट है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा आपसे सवाल नहीं होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, लेकिन जो मेन चीज़ इसके ऊपर आपसे कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो कॉज, सिम्टम एंड ट्रांसमिशन है स्केबीज की. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वी हैव रिंगवर्म, रिंगवर्म का भी वही कॉज सिम्टम, एक्जिमा का भी बताना चाहिए, हाइव्स और एक्जिमा के बीच में फ़र्क भी बताना चाहिए, सोरायसिस का बताना चाहिए, एक्नी, ओके, एक्नी की ट्रीटमेंट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ यंग पीपल व्हेन दे आर एंटरिंग देयर यूथ, दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दे फेस, तो इसमें ट्रीटमेंट भी कर लेना, ताकि तुम लोगों को पता हो कि तुम क्या कर मेडिसिन लोगे या किन मेडिसिन से तुम्हारा पाला पड़ सकता है. कोल्ड सोर्स को फिलहाल रहने दीजिएगा, बल्कि नहीं, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये लियन कॉमन भी हो जाती है कई दफ़ा, सो ये कोल्ड सोर्स कीजिएगा. वार्ट्स भी आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है. प्रेगनेंसी मास्क इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट एंड इट्स नॉट अ डिजीज एज सच, तो चूंकि ये डिजीज नहीं है हार्डकोर, इसलिए यू कैन लीव दिस.
चिकन पॉक्स, यस। कौन सा वायरस करता है? वायरस का नाम। अच्छा, इसमें ना देखो, ये जो आखिरी चीज़ें मैंने बताई है ना, चार पांच, लेट्स स्टार्ट अगेन। एक्नी तक तो जो बताया था मैंने बता दिया। कोल्ड सोर्स से आपको यहाँ पे इसका सिम्टम और वायरस का नाम बताना चाहिए। सिम्टम्स, वायरस का नाम, इसको छोड़ देना, सिम्टम्स एंड वायरस का नाम। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारे पास? हीट रैश, कॉज इसका बस देख लो, बाकी आपको बताइए ये क्या है। ठीक है, तो इसमें स्केबीज, ट्रीटमेंट के अलावा रिंगवर्म, एक्जिमा, हाइव्स, दोनों के बीच में फ़र्क, सोरायसिस, एक्नी सारा, और आगे कॉज एंड नेम ऑफ द वायरस, जो वार्ट्स करते हैं, जो कोल्ड सोर्स करते हैं, जो चिकन पॉक्स करते हैं, सिम्टम्स एंड देयर कॉज। ई ट्रैश के अंदर सिर्फ आपने मैकेनिज्म समझना है कि ब्लॉक्ड स्वेट डक्ट्स होती हैं, दैट्स इट। अच्छा, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर के अंदर ये बेजल सेल कार्सिनोमा ज़्यादा होता है या नहीं होता, कम होता है, कितना होता है? स्क्विमस सेल कार्सिनोमा किस जगह पे हो रहा है, वेयर डज इट अपीयर, और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, और डेथ रेट क्या है? दोनों में, बेजल सेल में और स्क्विमस सेल में, फ्रीक्वेंसी, वेयर डज इट अपीयर एंड वट इज़ द डेथ रेट, ये दोनों में ये चीज़ हो गई। फिर मेलानोमा, मेलानोमा की ज़रा थोड़ी डिटेल करनी पड़ेगी आपको, मेलानोमा में भी ये चीज़ें तो करनी करनी है। फिर ऑर्डिनरी मोल्स और एटिपिकल मेलानोमा मोल्स के बीच में क्या फ़र्क है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, वार्निंग साइंस क्या हैं, ये ए बी सी डी क्या होता है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। फिर ऑटोम्यून स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसमें बुलर स्किन डिसऑर्डर्स और उसकी पैथोफिजियोलॉजी, और एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप कुछ बच्चों को पैथोफिजियोलॉजी का, दूसरे सेक्शन में पूछ लीजिएगा उनसे कैसे होते हैं वो, निकोल्सकी साइन क्या होता है। ठीक है, खासतौर पर निकोल्सकी साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोजिंग बुलर स्किन डिसऑर्डर्स। सो पैथोजेनेसिस बुलर स्किन डिसऑर्डर्स का, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, एस एल ई क्या होता है, किस किस एरिया को अफेक्ट करता है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है, और डायग्नोसिस कैसे होता है, सेबोरिक एटोपिक डर्मेटाइटिस को छोड़ दो फिलहाल। थर्मल इंजरी में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न में क्या फ़र्क है? ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या फ़र्क है? ट्रीटमेंट फिलहाल आपसे नहीं पूछ रहा मैं, तो आप ट्रीटमेंट छोड़ सकते हैं थर्मल इंजरी की। ठीक हो गया, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। लेट्स गो टू द थर्ड लेक्चर, जो कि इम्पोर्टेंट लेक्चर बन जाता है, सीवियस डिजीज वाला। अब यहाँ पे असल बात शुरू होती है। अगेन दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी, एजिंग, इसको मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की टाइप्स ऑब्वियसली आपको पता चलती जाएंगे जब आगे जाएंगे। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म वगैरह, चेंजेस क्या होती हैं एक्सरसाइज के अंदर, ये आपके अपने समझने के लिए हैं। बल्कि आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और नॉट, बट जो लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वो भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है। बट आपके लिए पैथोलॉजी का नॉलेज नहीं है ये एज सच, बट आगे समझने के लिए ज़रूरी है डेफिनेटली। अच्छा, सो एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोरोनरी हार्ट डिजीज से मिला हुआ है। एमआई कैसे होता है? हार्ट अटैक का सारा कुछ, एंजाइना पेक्टोरिस सारा कुछ, दवाइयों समेत। एथेरोस्क्लेरोसिस का आगे भी अगले लेक्चर में भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म आ रहा है पैथोजेनेसिस वाला, वो पूरी स्लाइड है, एक पूरी पिक्चर्स हैं उसमें, स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिथमियाज क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, स्ट्रोक कैसे हो सकता है, ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स बताने चाहिए आपको, थ्रोम्बोलिसिस का बताना चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर केयर में आपको हेल्दी डाइट और ये ब्लड प्रेशर गोल्स, लिपिड गोल्स बताने चाहिए, बट ज़्यादा डिटेल नहीं पूछूंगा इनसे मैं।
अच्छा, ये नहीं, कार्डियोवैस्कुलर केयर का कुछ खास पूछने की जरूरत नहीं है, डाइट नहीं पूछूंगा, रिहैब इतना ज्यादा नहीं पूछूंगा, बिकॉज दीज आर सम थिंग्स विच यू आर गोना लर्न इन मेडिसिन एंड बियॉन्ड. तो मुझे बीमारी का बताओ, बीमारी कैसे होती है, रिस्क फैक्टर क्या है बीमारी का, यानी कि कॉजेज क्या है, बीमारी होती क्या है, ये पता होना चाहिए आपको. और फिर साइन सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, ये ज़्यादा पता होना चाहिए. क्या उसे कहते हैं, केयर का थोड़ा सा गोल का बताओ, लिपिड गोल बताओ, ब्लड प्रेशर का बताओ, या किन किन चीज़ों को आपने मैनेज करना है उनका बताओ, लेकिन इनकी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं पूछी जाएगी. मेडिकल थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो सकती हैं ये देख लीजिएगा, बट ये रिहैब शिहैब बाकी और चीज़ें मैं पूछने वाला. ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा कम है, मतलब अपनी पैथोलॉजी के अतबार से. जो अगला लेक्चर है कार्डियोलॉजी वाला, वो उसमें काफ़ी कुछ है कार्डियोलॉजी का नॉलेज, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ ऑल ऑफ दिस फॉर दिस असेसमेंट एटलीस्ट. अच्छा, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, कॉजेज क्या है, कॉजेज बड़े अच्छी तरीके से आने चाहिए. कॉजेज और डिजीजेज का जो आपस में लिंक है वो मैं बहुत अच्छी तरह से ज़रूर पूछूंगा. सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सारा कुछ. लॉन्ग टर्म क्या करना पड़ सकता है, बार बार हो सकता है मायोकार्डाइटिस या नहीं हो सकता. कार्डियोमायोपैथी कौन सी है, तीन टाइप्स की कार्डियोमायोपैथी जो इंपॉर्टेंट है, हाइपरट्रॉफिक, डायलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव, इनको अच्छी तरह से कीजिएगा. इन दोनों को इतना अच्छा नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तीन आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए. ठीक है, क्या होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में, क्या होता है डायलेटेड में, रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, ठीक है, कॉजेज क्या क्या है, हाइपरट्रॉफिक के क्या है, डायलेटेड के क्या है, रिस्ट्रिक्टिव के क्या है, कार्डियोमायोपैथी में रिस्क किस किस को होता है, फिर साइन सिम्टम्स ऑब्वियसली, और डायग्नोसिस. ट्रीटमेंट को फिलहाल जो है आप इतना डिटेल में ना करें, बेसिक ट्रीटमेंट्स, स्मोकिंग स्मोकिंग स्ट्रेस वगैरह को मैनेज करना देख लें बस. अच्छा, फिर ये कार्डिक नर्वस सिस्टम वाला जो है ना, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछूंगा कि स्ट्रेस से कैसे हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेस से आपको जो चीज़ देखनी है, बल्कि इसको भी छोड़ दीजिए फिलहाल. स्ट्रेस से क्या हो रहा है इसको छोड़ दें, एरिथमियाज कैसे हो रहे हैं इसको भी छोड़ दें, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, इमोशंस, इनको छोड़ दें. ये जो डिजीजेज अफेक्टिंग द कार्डिक नर्वस सिस्टम है, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अलॉट अबाउट इट, बिकॉज ये सिर्फ समझने की बात थी, वो समझा दिया एक दफा, फॉरगेट इट. कार्डिक वाल्व्स वाले डिजीज, यस, ये कौन कौन से डिजीज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, क्या कॉजेज हैं इसके, क्या डायग्नोसिस और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, वो इसका बताना चाहिए. डिजीज अफेक्टिंग पेरिकार्डियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होती है, पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनेट क्या है, पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्शन क्या है, सारा कुछ फेयर गेम, आई आस्क एवरीथिंग, सब कुछ पूछा जाएगा. एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या है, उसकी कॉजेज क्या है, फिर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं उसके, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कार्डिक टेम्पोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो बैक स्ट्राइड है इसके अंदर जरूर पूछूंगा, क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, फाइब्रस पेरिकार्डियम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लिंक है फाइब्रस पेरिकार्डियम का कार्डिक टेम्पोनेट के साथ, फिर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्शन भी वही सीन है. ज़्यादा इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि कार्डिक टेम्पोनेट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और पेरिकार्डाइटिस. अच्छी तरह से इसके साइन सिम्टम्स देखिएगा और इनके बीच में डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि ये सारी पेरिकार्डियम की डिजीज हैं तो आपको लगेगा कि सारे साइन सिम्टम्स एक जैसे हैं, बट उनके अंदर फर्क है, वो फर्क जरूर जहन में रखिएगा. अच्छा, डिजीज अफेक्टिंग ब्लड वेसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एथेरोस्क्लेरोसिस अगेन, एन्यूरिज्म क्या होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन क्या होता है, बर्जर्स डिजीज क्या है, पेरिफेरल वेनस डिजीज, वेरिकोज वेन्स क्या है, वेरिकोज वेन से डीवीटी कैसे होता है, डीवीटी से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कैसे हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट सारा आपको आना चाहिए. ब्लड क्लॉट्स का क्या क्या मसला होता है, बड़े बातें सुन रहे होगे आप कोविड के आसपास के, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, तो क्या करते हैं ब्लड क्लॉट्स, किस लिए ब्लड क्लॉट्स डेंजरस हैं, ये बताना चाहिए आपको. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर. इसमें सिर्फ वो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, बाकी तकरीबन सारे का सारा आपको अच्छी तरह से आना चाहिए. और कार्डियोमायोपैथी में से तीन कार्डियोमायोपैथी इंपॉर्टेंट है,
बाकी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये हो गया था लेक्चर नंबर 4। अब हम जाते हैं लेक्चर नंबर 5 पे, विच इज ब्लड। अब इसके अंदर कुछ थोड़ा सा ओवरलैप है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी, तो हम देख लेते हैं। तो अगेन, ये जो पैथोलॉजी है इसमें अब आपके अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कि एंडोथेलियल वेसल्स, ये बेसिकली अभी पैथोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजी है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, नॉर्मल क्या फंक्शन है इसका, तो इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पैथोलॉजी शुरू होती है, वो यहाँ से शुरू होती है कि एंडोथेलियल इंजरी क्या होती है, डिसफंक्शन और एक्टिवेशन किस तरह का होता है, डिसफंक्शन और एक्टिवेशन किस किस चीज़ में होता है, और फिर डिजीजेज क्या है। अब इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, कंजेनिटल एनोमलीज में फिस्टुलाज एनरिज्म इम्पॉर्टेंट है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और कैल्सिफिकेशन, ये पूरे का पूरा सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है। प्लाक्स कैसे बनते हैं, स्ट्रीक्स कैसे बनती हैं, क्या होता है, किस तरतीब से बीमारी होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस ही बेसिकली इवेंचुअली जाके हार्ट अटैक भी करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस ही इवेंचुअली जाके फालेज भी करेगा, या स्ट्रोक भी करेगा, या पैरालिसिस भी करेगा। तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का अगर नहीं पता, तो आपने फिर पैथोलॉजी में पढ़ा ही किया है। जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं आता होगा, उसको मैं फेल करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आती होंगी। अब बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आती होंगी, तो फिर आप बैठ के दोबारा रिपीट करें पैथोलॉजी, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का पैथोजेनेसिस, ये वाली स्लाइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपरटेंसिव वैस्कुलर डिजीज में कैसे हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, कैसे हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, ये पता होना चाहिए। जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, इसमें जो ये वेसल वेस्कुलाइटिस है, इनके नाम और मैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, इस पर गौर कर लीजिएगा। सारे नहीं करने, बिकॉज सारे आपका दिमाग घुमा देंगे, ठीक है। इट्स नॉट ईजी टू डू ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हम लोगों के लिए भी ईजी नहीं होता, आप लोगों के लेवल पे इट्स इवन मोर डिफिकल्ट। सो फोकस कीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस और टाकायासु आर्थराइटिस। जो लार्ज वेसल है वो दोनों कर लो अच्छी तरह से, मीडियम साइज में पैन करो और कावासाकी करो, स्मॉल में वेजनर कर लो, गुड पास्टर सिंड्रोम कर लो बस, और हिनॉक्शनॉलिन परपरा कर लो। तीन इसमें से करने हैं, एक दो इसमें से करने हैं, और ये दो करने हैं। टोटल आपने एक दो तीन चार पाँच छः सात करने हैं। कितने छोड़ रहा हूँ, एक दो तीन, तीन छुड़वा रहा हूँ मैं, तो तकरीबन सारे हो गए। रिपीट कर दें, फर्स्ट वाले दोनों करने हैं, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस दोनों करने हैं, मीडियम साइज में से पहले दो करने हैं, ठीक है, और स्मॉल वेसल में वेजनर हिनॉक्सनॉरिन एंड गुड पास्टर करना है, ये दो छोड़ देने हैं। अच्छा, रेनॉल्ड डिजीज आप पहले भी कर चुके हैं, वो वही काफ़ी है। एनोरिज्म कर लीजिएगा, एनोरिज्म और डाइसेक्शन का फ़र्क, और डाइसेक्शन की जो क्लासिफिकेशन में जो दो सिंपल से फ़र्क बताए थे वो। अच्छा, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में फिजियोलॉजी, फंक्शन वंक्शन करने की जरूरत नहीं है। डिजीजेज क्या क्या है, वेरिकोज वेन्स, अगेन यहाँ पे आता है वेरिकोज वेन्स, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझा होना चाहिए। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस, सिंपल खास चीज है नहीं। हाँ, वेना केवा सिंड्रोम्स, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम के कॉन्सेप्ट्स, लिम्फेंजाइटिस की डेफिनेशन, लिम्फेडीमा, ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अब ट्यूमर्स में क्या करना है क्या नहीं करना, ट्यूमर्स में हेमेंजियोमा कीजिए, ग्लोमस ट्यूमर कीजिए बिनाइन में, ठीक है। बॉर्डर लाइन में कैपोसी सार्कोमा कीजिए, एड्स के साथ होता है, क्लासिक काम है इसका एड्स के साथ, और मेलिग्नेंट में एंजियोसार्कोमा कीजिए, ठीक है। मेंजियोमा, ग्लोमस ट्यूमर बिनाइन में, बॉर्डर लाइन में कैपोसी, और मेलिग्नेंट में एंजियोसार्कोमा, ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं फिलहाल। सर, सर ट्यूमर्स थोड़ा सा आराम से 1 मिनट बता दें प्लीज। बेटा आराम से बता रहा हूँ, बॉर्डर लाइन में कैपोसी सार्कोमा कर लें, बिनाइन में हिमेंजियोमा और ग्लोमस कर लें, और फाइनली मेलिग्नेंट में एंजियोसार्कोमा कर लें, ठीक है। बेटा जल्दी करें, अभी हमने लेक्चर भी करना है आज का, रीनल सिस्टम करना है, ठीक हो गया। नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल वो आपसे छुड़वा रहा हूँ, वो मैं नहीं पूछूंगा, वो आपके अपने अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर कौन सा आ गया है अब, लेक्चर नंबर 6, रेस्पिरेशन।
इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बैठ के पहले तो डीप ब्रेथ लेना है और एजिंग को छोड़ देना है। कंजेनिटल एनोमलीज में एजेनेसिस और हाइपोप्लेजिया का कॉन्सेप्ट, फिस्टुला, एट्रीजिया, स्टेनोसिस क्या होता है, ये वर्ड्स बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आप हर सिस्टम में देखोगे। एट्रीजिया किडनी के सिस्टम का भी हो सकता है, अभी आपको पढ़ाऊंगा आप देखोगे। स्टेनोसिस कहीं पर भी हो सकता है, फिस्टुला कहीं पर भी बन सकता है, एजेनेसिस किसी भी चीज का हो सकता है, हाइपोप्लेजिया किसी भी चीज का हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या है, ये आपको अच्छी तरह से बताना चाहिए। फिर इसके अलावा फोरगट सिस्ट, पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन, ये चीजें बाकी करने की जरूरत नहीं। क्या रह गया फिर, हाइपोप्लेजिया क्या होता है, एट्रीजिया क्या होता है, फोरगट सिस्ट कहाँ पे होती हैं, और माइक्रोस्कोपिकली सिस्ट के अंदर क्या नजर आता है, विच इज हार्ड कोर पैथोलॉजी, वॉल में क्या नजर आता है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से बताना चाहिए। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, टाइप्स क्या है, एटिलेक्टेसिस क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एटिलेक्टेसिस क्या है, ठीक है, एक्वायर्ड और कंजेनिटल में क्या फर्क है, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उसके। अब आगे ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है करने वाली है, एनऑर्गेनिक न्यूमोकोनियोसिस जो है आप ये कर रहे हैं, अच्छा इसके अंदर क्या करना है, सिलिकोसिस की पैथोफिजियोलॉजी, उसके अंदर क्या नजर आता है, सिलिकोसिस होता कैसे है, किन लोगों में होता है, कॉजेज हो गए ये जो, ये फिर उसके बाद क्या नजर आता है उसके अंदर, ठीक है, ये मैसिव फाइब्रोसिस हो रहा है, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो रहा है, कैविटेशन हो रही है, सेकेंडरी टीबी हो रही है, हार्ट ग्रे ब्लैक नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है, बिकॉज पैथोलॉजी ये है, ये स्लाइड जो है असल पैथोलॉजी है, ये भी असल पैथोलॉजी है। सिलिकॉटिक नोड्यूल के कितने जोन होते हैं, क्या क्या नजर आता है उनके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने डायग्राम्स भी बनी हुई है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट का काम होता है बैठ के काट काट के चीजें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते रहना। तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने क्या है पैथोलॉजिस्ट ने, ये दो चीजें देखनी है, ये चीजें देखनी है उसने, तो ये नहीं आती होंगी तो पैथोलॉजी तो नहीं आती ना। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेटा करनी जरूरी नहीं है, क्रॉनिक कौन सा है कौन सा, ये चीजें आप अगर मेडिसिन में जाए और आप जाके पल्मोनोलॉजिस्ट बने तो तब की बात है, सो इसको छोड़ दो। डायग्नोसिस कैसे होता है, इम्पोर्टेंट, डायग्नोस्टिक पे रेडियोलॉजी पे क्या नजर आता है, एक्सरे पे क्या नजर आएगा, कैप्लान सिंड्रोम क्या होता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, और लंग फंक्शन टेस्टिंग में क्या नजर आता है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डिफ्यूजन क्या होती है, हाइपोक्सीमिया कैसे होता है, इंडक्शन पे, सीरोलॉजी, अच्छा सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, फिजियोलॉजिकल डायग्नोसिस, फिजियोलॉजिकल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आप लंग फंक्शन टेस्ट नॉर्मल इंसान के भी करके देखते हैं और उसके अंदर भी मुख्तलिफ पैटर्न्स देख रहे होते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजी में मतलब ज़्यादा कोशिश करने से जो नॉर्मल जवाब आएगा उसका वो क्या होगा, डिफ्यूजन फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन ब्लड में होना फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, वो कम हो रही है, डिफ्यूजन कम हो रही है, लंग फंक्शन चेंज हो रहा है, ये डायग्नोस्टिक कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। कुछ डायग्नोस्टिक कॉन्सेप्ट सीरोलॉजी से रिलेटेड होंगे, यानी कि एंटीबॉडीज वगैरह, एंटीजेंस वगैरह, सो एंटीबॉडी ज्यादा होती हैं, कौन से इम्यूनोलॉजी के फैक्टर्स, जो सारे इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सीरोलॉजिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क है, इन दोनों को आप समझ लीजिएगा और इनको दोनों को कीजिएगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना समझना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस कैसे होती हैं, एक बीमारी आप शुरू में नहीं पकड़ते, उसको प्रोग्रेस करने देते हैं, तो इवेंचुअली उसकी वजह से फिर वो बीमारी जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है और मसले हो जाते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस को अलग ट्रीट करना पड़ता है, कॉजेज को अलग ट्रीट करना पड़ता है, सिम्टम्स को अलग ट्रीट करना पड़ता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ज्यादातर ये आपको सारे का सारा जो है ना फुल डिटेल में नहीं बताया और डिटेल भी नहीं पूछूंगा, बिकॉज इट इज अ मेजर थिंग ऑफ मेडिसिन नॉट ऑफ पैथोलॉजी। अच्छा एस्बेस्टोसिस कौन सा होता है, क्या टाइप्स हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है खास, दो मेन कर लो बस, सर्पेंटाइन और एम्फीबोल, बस सिर्फ ये देखो कि वो एस्बेस्टोस का कलर क्या होता है, थोड़ा सा ये बस फर्क है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये असल पैथोलॉजी है, एस्बेस्टोस बॉडी क्या होती है, कैसी नजर आती है, फाइबर्स कैसे नजर आते हैं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे पैथोलॉजिस्ट ने बैठ के करना क्या है, ये असल पैथोलॉजी है, इसको नहीं भूलना। फिर एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग डिजीज क्या होता है, प्लूरल, इर्द गिर्द की जो प्लूरा है उसके साथ डिजीज, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है,
और क्या होता है एस्बेस्टोसिस में, रिस्क क्या होते हैं? और इसके अलावा क्लिनिकली क्या नजर आता है, लंग फंक्शन में क्या होता है, इम्यूनोलॉजिक फाइंडिंग्स क्या होती हैं, डायग्नोसिस करने में हेल्प करेंगे साइन सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें। फिर कैंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, एस्बेस्टोस से रिलेटेड। तो एस्बेस्टोसिस आगे क्या क्या मसले करता है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। प्लूरा के मसले कर सकता है, इंटरस्टिशियम के मसले कर सकता है, और क्लिनिकली क्या क्या दिखाएगा, और कैंसर्स कौन कौन से कर सकता है, ठीक है। फिर अगेन एंथ्राकोसिस क्या होता है और क्या उसके अंदर नजर आता है आपको, रेडियोलॉजी भी क्या नजर आएगा, लंग फंक्शन में क्या नजर आएगा, ठीक है। बस मेटल्स को छोड़ दो, मेटल्स को गोली मारो। एंथ्राकोसिस नीमोकोनियोसिस कर रहे हैं ना हम, तो एंथ्राकोसिस और एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस, इन तीन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बाकी आपको बता दिया है।